हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। आज हम देखेंगे दोस्तों क्यूआर कोड कैसे स्कैन करना है, वो कैसे आप बना सकते हो क्यूआर कोड आपके वेबसाइट के लिए या आपके फ़ोन नंबर के लिए या आपके फाइल के लिए, वो हम देखेंगे। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ्री क्यूआर कोड जनरेट आप कर सकते हो, और इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ये क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए आपको 1 से 1 मिनट या 30 सेकेंड लग सकते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे आपको जाना है, एक वेबसाइट है ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेटर, ये हमको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ऑनलाइन क्यूआर कोड जनरेटर .com पे जाना है आपको। ओके, यहाँ पे आप होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड जनरेट करने के बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। अभी पहला ऑप्शन है फ्री टैक्स, मतलब आपको कुछ भी टैक्स लिखना है। समझो मैंने टैक्स लिखा सलमान खान, ठीक है, तो अब क्यूआर जनरेट हो गया इसका। ये देखिए क्यूआर जनरेट हो गया। यूआरएल डाला, समझो मैंने www.facebook, नीचे देखिए क्यूआर अपने आप बदल रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, facebook.com डाला तो ये URL होगा। URL मतलब ये कोड कोई भी स्कैन करेगा तो वो URL जो भी आपने यहाँ पे डाला है वो ओपन होगा। कॉन्टैक्ट मतलब आप कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, मतलब आप नाम डालोगे यहाँ पे। मैंने नाम डाला यहाँ पे, टेलीफोन नंबर डाला, फिर फ़ोन नंबर डाला, ठीक है, फैक्स नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला। मैं ईमेल आईडी डालता हूँ कुछ भी, चलो। यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाला, ठीक है, पोजीशन क्या है और उसका कंपनी का कोई यूआरएल है तो ये वो, तो अपने आप ये क्यूआर जनरेट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है फ़ोन, मतलब डायरेक्ट आपको फ़ोन नंबर इंटर करना है तो फ़ोन नंबर आ जाएगा। एसएमएस, कोई आपको एसएमएस लिखना है, कोई कुछ कंटेंट लिखना है आपको, इंटर फ़ोन नंबर और इंटर मैसेज करना है तो वो आ जाएगा। वाईफाई का पासवर्ड आपको जनरेट करना है क्यूआर कोड से तो वो भी कर सकते हो। मेल करना है तो ईमेल आईडी लिखोगे और ये क्यूआर कोड ये कोई भी स्कैन करेगा तो वो मेल आईडी उसको दिखेगा। तो हम देखते हैं ये यूआरएल का, देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको www.facebook.com। ओके, तो ये मेरा क्यूआर जनरेट हो गया। इसमें और भी ऑप्शन है, क्यूआर कोड ऑप्शनल भी है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए आप इसमें कलर सेटिंग भी कर सकते हो, कौन सा कलर चाहिए आपको, ब्लैक नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये ले सकते हो। यहाँ पे दूसरा कलर आ गया, देखो ये फ्रेम आपको अलग चाहिए तो फ्रेम अलग आ जाएगी। ये देखिए ये कुछ अलग चाहिए तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको लोगो डालना है अपना तो भी आप डाल सकते हो लोगो, ठीक है। तो मैं इमेज एक लेता हूँ, देखता हूँ लोगो आता है कि नहीं, तो ये एक इमेज लेता हूँ मैं। ये देखिए आ गया लोगो, आ गया अपनी कंपनी का, आपको डालना है। आपको अंदर कुछ टैग्स डालना है वो भी डाल सकते हो आप। मैं डालता हूँ फेसबुक, इफेक्ट डालना है स्ट्रोक, फ्रंट साइड 30 करते, 28 ही रखते। तो ये देखिए आ गया फेसबुक, इसको आपको कम करना है तो आपको 24 करेंगे तो और कम हो जाएगा। फ्रंट साइज 24 ही है, इससे हम इससे नहीं कम कर सकते, इसका 3D करते हैं। ये देखो 3D में आ गया, ठीक है। पैटर्न स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे चाहिए तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे चाहिए तो ये देखो चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर अदर सेटिंग में है, क्यूआर कोड साइज़ भी बदल सकते हो आप, यह भी बड़ा हो गया है, देखिए और बड़ा करूँ, ये देखिए लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, जो आप डिफ़ॉल्ट साइज़ वही रखिए। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है तो इसको मुझे सेव करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। कौन से PNG में चाहिए, JPG में चाहिए, SVG में, PDF में चाहिए, वो आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग PNG में करते हैं तो वो बराबर है, ठीक है। तो मैंने PNG ये डाउनलोड कर दिया, ये मेरा डाउनलोड हो गया। अभी इसको हम खोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखो अपना क्यूआर कोड आ गया, तो ये क्यूआर कोड आप क्यूआर कोड स्कैनर एप्लीकेशन से स्कैन करोगे तो इसमें जो मैंने लिंक डाला है facebook.com वो लिंक आपको दिखेगी और वो लिंक आप ओपन कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों क्यूआर कोड किसके लिए उपयोगी है और कौन कौन यूज कर सकता है, ये आप अपने प्रोडक्ट के लिए, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई मैन्युफैक्चर कंपनी हो, समझो आपने एक अपने अपना कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट के बॉक्स में आपका वेबसाइट है, तो क्यूआर कोड अब वहाँ पे प्रिंट करके वो लिंक तो डाला हुआ है, लिंक आपको डालना है अपने वेबसाइट की। मैंने जैसे फेसबुक में डाला, फेसबुक का लिंक डाला था वैसे, और वो क्यूआर जनरेट करके आपको प्रिंट करना है अपने बॉक्स, जो भी आपका मैन्युफैक्चर गुड्स है उसमें आपको प्रिंट करना है, तो वो कोई भी स्कैन करेगा तो आपके वेबसाइट पे आ जाएगा। दूसरा, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो उसका क्यूआर कोड चाहिए, तो क्यूआर कोड जनरेशन का बहुत क्यूआर कोड का बहुत सारा उपयोग है आज के डेट में, तो ये इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट था जिससे हम फ्री क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो और मिनिमम टाइम पे हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। आपको ऐसे वीडियो की अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियो की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।